नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। 18 अक्टूबर को केबीसी के मंच पे विराजमान हुई थी मौसमी पॉल। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर जब ये विराजमान हुई तो ये सुपर संधू खेली थी। सुपर संधू के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सेगमेंट के दौरान प्रतिभागी से महानायक अमिताभ बच्चन 10 प्रश्न पूछते हैं। प्रत्येक प्रश्न की जो राशि होती है वो 10,000 होती है, यानी कि सुपर संदूक में जितने भी सही जवाब देंगे उसके हिसाब से वो राशि जीतते हैं। सुपर संदूक के दौरान ये 5 प्रश्न का सही जवाब देती हैं और जीत जाती हैं 50,000। इस सेगमेंट के विषय में हम आपको एक जानकारी दे दें कि इस सेगमेंट को इस मंच पे इसलिए ऐड किया गया है कि अगर प्रतिभागी 5 प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं और 50,000 राशि जीतते हैं तो उस राशि से वो अपनी खोई हुई किसी भी लाइफलाइन को वो फिर से जीवित कर सकते हैं। यहाँ पे मौसमी पॉल 5 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाती हैं 50,000 और उस 50,000 की राशि से ये अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पॉल को पुनः जीवित करती है। यहाँ से गेम जो है आगे की ओर बढ़ता है और 3,20,000 चुकी ये पहले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को ही ये जीत चुकी थी। तो 18 अक्टूबर को महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पहला सवाल यानी कि सुपर संदूक के बाद जो है पहला सवाल 6,40,000 का पूछते हैं। देखिए 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यही सवाल जो है महानायक अमिताभ बच्चन मौसमी पॉल से पूछे थे। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग इसके गण पूर्ति या कोरम का गठन करता है? 4 ऑप्शन है, ए 10वां, बी तिहाई, सी 5वां और डी 12वां। यहीं पे गेम जो है गड़बड़ हो गया है। इस 6,40,000 के प्रश्न पे ये गलत जवाब दे देती है। दूसरी चीज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6,40,000 का जो प्रश्न होता है वो नो रिस्क पे होता है, यानी कि यहाँ पे प्रतिभागी अगर गलत जवाब भी देते हैं तो कोई राशि खोते नहीं हैं, जो पहले से जीते हुए रहते हैं 3,20,000 वो राशि इनको मिल जाता है। ठीक ये 6,40,000 पे जब ये गलत जवाब देती हैं तो ये इस मंच से 3,20,000 की राशि जीत कर जाती हैं। लेकिन ये पहली प्रतिभागी नहीं है जब केबीसी के मंच पे जो है गलत जवाब दी है। इससे पहले काफ़ी सारे प्रतिभागी जो है वो गलत जवाब दे चुके हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब प्रतिभागी के पास ऑलरेडी लाइफलाइन बचा हुआ होता है और वहाँ पे वो उस लाइफलाइन को बचा लेते हैं। ये सोच कर बचाते हैं कि उस लाइफलाइन का इस्तेमाल जो है ऊपर की राशि पर करेंगे या फिर उससे और अधिक राशि हम जीत लेंगे, और इसी के चक्कर में जो है वो अपनी उस प्रश्न का गलत जवाब दे देती हैं। और यही हाल हुआ है मौसमी पॉल के साथ भी। इनके पास ऑलरेडी बेहतर लाइफलाइन बचा हुआ था, वो चाहती तो इस 6,40,000 के प्रश्न पे लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती थी और इस मंच से अच्छा खासा राशि जो है जीत कर जा सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है और 18 अक्टूबर को कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे मौसमी पॉल इसी 6,40,000 के प्रश्न पे गलत जवाब दे देती है और केबीसी के मंच से 3,20,000 की राशि जीत कर जाती है।